सबसे बड़े देशद्रोही और राजद्रोही तो वही हैं। कौन है? लीडर्स हैं। आम नागरिकों की बात करेगा, जो आम कर्मचारियों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। लोको पायलट भी एक सामाजिक प्राणी है, उसके भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। इस तरह की दोहरी मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। आम नागरिकों के लिए दूसरा और आपके लिए दूसरा, ये किसके हाथ घरानों के कठपुतली बन करके के खड़ी है, जिसके कारण आज हम पूरे देश की बहुत ही बुरी दशा है। हम तो प्रताड़ित हो ही रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। इससे प्रेम करते हैं तो वाकई में एनपीएस देश के लिए घातक है, लेकिन सेवा के एवज में ये मेवा खा रहे हैं। ओपीएस का मुद्दा जो सरकार लाएगी वो उसी की सरकार बनेगी। शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे चारों ओर देखिए, यहाँ पे पूरे भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ पे लोको पायलट पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग पुरानी पेंशन को फिर से लाने की बात कह रहे हैं। पुरानी जो इन लोगों की पेंशन थी उनको ये लोग बोल रहे हैं कि फिर से लागू किया जाए। तो इन लोगों से पूछते हैं कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की जो है, जो हमारी बहुत सारी लंबी डिमांड्स थी, जिसको लेके हम लोग ने ब्रांच में आंदोलन किया, डिविजन्स में आंदोलन किया, जोन में आंदोलन किया, और उसी कड़ी में आज हम लोग पूरे भारतवर्ष के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट सेंटर्स यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं, जिसमें एनपीएस एक मुद्दा है, अपना जो ओवर्स आवर ड्यूटीज का मुद्दा है उसको लेके आए हुए हैं, लाइन बॉक्स का मुद्दा है। बराबर कराते हैं तो उनके तो पैसे भी देते हैं वो? नहीं, मिलता कोई पैसा नहीं मिलता। ओवर्स आवर ड्यूटी से जो है, ऐसा कोई नहीं कि जो है ओवर्स आवर ड्यूटी में पैसे मिलते हैं, ठीक है, उससे सेफ्टी इंफ्रिंज होती है। सेफ्टी इंफ्रिंज हो चुकी है, जहाँ 14 घंटे 15 घंटे काम लिया जाएगा उससे सेफ्टी इंफ्रिंज होंगी। लोको पायलट एक इंटेंसिव कैटेगरी है, ठीक है, बहुत कंसल्टेशन, जहाँ एक 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 ड्यूटी आवर्स में वहाँ 300-400 सिग्नल वो कंसल्टेशन के माध्यम से देखता है, उसको तमाम जिम्मेदारियाँ उसके कंधों पे, सिर्फ सिग्नल ही देखता नहीं है, उसको एक्सचेंज करना पड़ता है, ओएचई देखना पड़ता है, बाजू के ट्रैक्स देखने पड़ते हैं, सो मेनी वर्क इन वन टाइम लोको पायलट्स को देखना पड़ता है, काफ़ी कंसल्टेशन वाली ड्यूटी है, ठीक है। दिक्कतें क्या आ रही हैं आप लोग? तो ओवर्स, पहली तो ओवर्स आवर ड्यूटी बंद किया जाए, ठीक है, दूसरा जो 72 घंटे का जो हमारा लोको पायलट भी एक सामाजिक प्राणी है, उसके भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, ठीक है, उसको जो है 72 घंटे के जगह 36 घंटे में हेडक्वार्टर में रिटर्न किया जाए। अभी एक नया चीज़ें शुरू हुई हैं, मोबाइल को जमा करने की बात चल रही है। रनिंग रूम से अगर लोको पायलट निकल नहीं सकता, बाहर निकल सकता है, लिख लेगा तो उसको लिख के जाना पड़ेगा, क्यों बाहर जा रहे हो आप, ठीक है। तो इन तमाम मुद्दों को लेके ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ की तरफ से काफ़ी आक्रोशित आंदोलन है। ये तमाम अभी बीएमबीएस का मुद्दा आया, बीएमबीएस में जो वैगन है जो जर्मनी से आए हुए हैं, 10 सालों से उस वैगन की वजह से जो है तमाम स्पेट की घटनाएं हो गई। जो प्रशासन जो है उस बीएमबीएस को जो है पूरे वैगन को हटाने के बजाय, उसको बीएमबीएस वैगन है, रैक है जो मालगाड़ियों में चलता है, उस रैक को हटाने के बजाय उसकी स्पीड को कम करने की बात कर रहा है। तब बावजूद उसके अभी भी कर्वेचर में जो एपीएम होता है उसमें एक डिवाइस होती है, वो गलत सेंस करते हुए वो ब्रेकिंग नहीं लगा रहा है। पेंशन का क्या है? अगर मैं कहता हूँ कि अगर पेंशन वाकई में, और सारे नेता कह रहे हैं कि पेंशन वाकई में बेहतर है, तो सबसे पहले लीडर्स को उसको खुद के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अगर वो बेहतर है, देश के लिए बेहतर है, तो एनपीएस उनको स्वयं भी अपनाना चाहिए। इस तरह की दोहरी मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए, आम नागरिकों के लिए दूसरा और आपके लिए दूसरा, ये कैसे हो सकता है। एनपीएस जो है, जो न्यू पेंशन स्कीम में भारत सरकार के जो 14% वो इंक्लूड करेगा, इनके 10% उसमें शामिल होंगे, उसको जो है शेयर्स में लगाए जाएंगे, की जाती है शेयर बिल्कुल, ठीक है, शेयर मार्केट के क्या हाल हैं, वो कैसे इसके हाथ घरानों के बिल्कुल कठपुतली बन करके के खड़ी है। हमारे ये जो नरेंद्र मोदी साहब है, हमारे जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये अभी जो कॉरपोरेट घराना है उनका बिल्कुल वो कठपुतली बन के खड़ा है, जिसके कारण आज हम पूरे देश की बहुत ही बुरी दशा है। जो हम मतलब कि आम जनता आज बिल्कुल त्रस्त है, और देख रही हैं आप, इतना
जंतर मंतर पर इतना विशाल धरना का जो आयोजन किया गया है क्यों किया जा रहा है? सभी जगह सभी लोग त्रस्त हैं, सभी लोग परेशान हैं, इसलिए हम आजीवन कार्य करेंगे तो हमें एनपीएस मिलेगा और वो एक बार अगर जीत लेंगे एक दिन के लिए संसद MP MP MLA कुछ भी रहेंगे उसके बाद आजीवन वो मतलब ओल्ड पेंशन के हकदार होंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये बहुत ही गलत है। और इससे ये नहीं कि आज देख रहे हैं आज हमारे साथ जो पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग हैं वो भी आए हुए हैं, इससे ये समझ जाइए कि आज हम तो प्रताड़ित हो ही रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा इसको देखना बहुत ही जरूरी है। पूरे मापदंड जो अपनाया जा रहा है कि बहुत सारे अभी अभी वर्तमान में ही जो है लीडर्स ने बोला है कि जो है देश एनपीएस के वजह से ओपीएस के वजह से देश दिवालिया हो जाएगा। दैट मींस ये है कि जो ओपीएस जो लीडर्स ले रहे हैं इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि वो देश को दिवालिया कर रहे हैं। तो सबसे बड़े देशद्रोही और राजद्रोही तो वही हैं, कौन है? लीडर्स हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ओपीएस की वजह से जो है देश कंगाल हो रहा है, तो ओपीएस तो तुम तो ले रहे हो ना साथी, आप सभी लोग ले रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको छोड़ना चाहिए अगर देश के हितैषी हैं। नेता तो बहुत काम करते हैं, नेताओं को पूरे 24 घंटे दौड़ भाग रहती है, तो उनको तो मिलना चाहिए ना। क्या मिलना चाहिए? राजनीति क्या है? क्या राजनीति के एक सेवा है, सेवा है, सेवा के लिए है। और कैसे सेवा क्या है? आपके द्वारा चुन के सेवा क्या है? सेवा का अर्थ होता है जिसके एवज में कुछ लिया ना जाए, लेकिन सेवा के एवज में ये मेवा खा रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग आए थे यहाँ? अभी आज के दौर में 16 बजे रेलवे बोर्ड में हमारे जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स जा रहे हैं, मतलब 4 बजे 4 बजे 16 बजे 4 बजे मिलने जा रहे हैं। और हमारी तमाम गृहवांशेज जो है उसमें लंबी गृहवांशेज हैं, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेके चर्चा होगी, बातचीत होगी, और उन चर्चा वार्ता के बाद उस क्या आश्वासन मिलता है ये इस बात का वो निर्णय करेगा कि हमारा अगला आंदोलन क्या होगा। तो शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है, तो अब आप लोगों को तो पेंशन मिलने से रहा? वही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो पैसा है, जो हमारे कर्मचारियों का पैसा है, दूसरे लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये इसका कहाँ पे जाएगा और कहाँ? आपको पता है कि शेयर को उठाना और गिराना किस तरह से चल रहा है, किसके किसके इसमें हाथ हैं? हाथ है आप बताइए। आप अभी ये पुराना पारिक के समय का ही अब 1989 की शायद घटना है। पारिक कौन है? गुजरात के पारिक थे, उसके बाद हर्षद मेहता है, उसके बाद केतन पारिक, के बाद हर्षद मेहता है, उसके बाद ये जो हिडनवर्क की जो घटना घट गया, उन्होंने हिडनवर्क ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, बीजेपी सरकार तो उस पे कुछ बोली नहीं, वो सब झूठ है। वो जब उसके साथ मिलकर रेवरी खा रही है, जब अंबानी अडानी जैसे लोग जो है कॉरपोरेट घराने वाले उन्हीं के नुमाइंदे हैं, तो उसके बारे में क्यों बोलोगी बीजेपी? मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये अंबानी अडानी जितने कॉरपोरेट घराने के लोग हैं इनके हाथ ये बिकी है सरकार, उनसे ही फंड लेके ये सरकार बनाते हैं, तो उनके ये जो अंबानी अडानी और जो भी हैं इन लोगों से ये फंड लेकर ये सरकार बनाते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगाएंगे, ये उनके चंदे के रूप में जो पैसे लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो जैसे उनका बहिष्कार हुआ था संसद भवन में चाहे हर जगह हुआ था उस पर उन्होंने एक चूस शब्द नहीं बोला, क्यों नहीं बोला भाई? 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की सरकार बनेगी, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मोदी जी बनेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। देखिएगा 2024 में मोदी जी हारेंगे और ओपीएस का मुद्दा जो सरकार लाएगी वो उसी की सरकार बनेगी। आपको लगता है मोदी जी लाएगी? नहीं, मोदी जी तो नहीं लाएंगे, हमें कौन लाएगा? अब जो लाए, जो हो सकता है संयुक्त सरकार कोई बनाए वो लाए, लेकिन जरूर होगा कि मुद्दा जो हमारे हक की बात करेगा, हम उसी जो आम नागरिकों की बात करेगा, जो आम कर्मचारियों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।